अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज सज्जाद एंड यू आर वाचिंग सज्जाद क्रिएशन यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज मैं हाजिर हूँ एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस तरह का वीडियो स्टेटस कैसे बनाते हैं वही सिखाने वाला हूँ। सो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ साथ घंटी के आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले जो है आपने काइन मास्टर को ओपन कर लेना है और यहाँ से प्लस वाले साइन पर क्लिक करके 16:9 रेशो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद गाइज आपने जो है एज अ बैकग्राउंड जो है आपने एक वीडियो को इंसर्ट करना है, जो कि ये वाली है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद गाइज आपने क्या करना है, स्टार्टिंग में आना है। स्टार्टिंग में आने के बाद आपने लेयर पर क्लिक करना है। लेयर पर क्लिक करने के बाद गाइज आपने जो है यहाँ पर एक हार्ट वाला PNG फाइल जो है वो इंसर्ट करना है, ये वाला। ठीक है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने डाउनलोड कर लेना है। और इसे जो है आपने ऊपर यहाँ पर इस तरह से सेट करना है और इसे थोड़ा सा बड़ा कर देना है इस तरह से। ठीक है, उसके बाद आपने इसकी लेयर को जो है खींच के लेके जाना है जहाँ तक आपकी वीडियो, उसके बाद ओके कर दें। और गाइज अब आपने स्टार्टिंग में आना है और अब गाइज आपने जो है बल्ब वाला PNG फाइल जो है वो इंसर्ट करना है। तो सिंपली लेयर पर क्लिक करें और यहाँ से मीडिया पर क्लिक करें और गाइज ये वाला बल्ब वाला PNG फाइल जो है ये आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आपने डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आपने यहाँ पर इस तरह से इंसर्ट करना है और यहाँ से आपको रोटेट का ऑप्शन मिल जाता है, आपने इस तरह से इसे घुमा देना है। ठीक है, और यहाँ से जो है आपने अपने हिसाब से बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर इस तरह से आपने इसे रख देना है। ठीक है, उसके बाद आपने जो इसकी लेयर को जो है प्रोजेक्ट के एंड तक लेके जाना है जहाँ तक आपकी वीडियो हो। ठीक है, उसके बाद सिंपली यहाँ से ओके कर दें। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद आपने स्टार्टिंग में आ जाना है। स्टार्टिंग में आने के बाद आपने ये जो हार्ट्स हैं इनको कलर देना है। ठीक है, तो सिंपली लेयर पर क्लिक करें और यहाँ से मीडिया पर क्लिक करें और गाइज यहाँ पर जो है ये वाला कलर जो है ये आपने इस तरह से इंसर्ट करना है। आपको इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने सिंपली जो है यहाँ पर इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद आपने जो है इस कलर को बिल्कुल हार्ट के ऊपर कुछ इस तरह से सेट करना है। ठीक है, यहाँ से मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, कुछ इस तरह से आपने भी इसे यहाँ पर बिल्कुल इस तरह से हार्ट के ऊपर सेट कर देना है। ठीक है, इस तरह से गाइज, उसके बाद आपने यहाँ से जो है नीचे आना है ब्लेंडिंग में। ठीक है, ब्लेंडिंग में आने के बाद यहाँ से आपने मल्टीप्लाई पर क्लिक करके और ओके कर देना है। ठीक है, तो ये देखें हार्ट को कलर जो है वो हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आपने क्या करना है, आपने जो है यहाँ पर इन दो हार्ट्स के बीच में जो है नेम का फर्स्ट लेटर जो है वो लिखना है। तो सिंपली लेयर पर क्लिक करके यहाँ से आपने टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर जो है आप किसी का भी नाम का फर्स्ट लेटर लिख सकते हैं। तो एज एग्जाम्पल मैं जो है अपने ही नाम का फर्स्ट लेटर यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, लेटर लिख देता हूँ फर्स्ट। ठीक है, यहाँ से डॉट भी दे देता हूँ मैं। ठीक है गाइज, उसके बाद ओके कर दें। ओके करने के बाद गाइज आपने जो है इसे थोड़ा सा बड़ा कर देना है कुछ इस तरह से। उसके बाद आपने डबल ए पर क्लिक करना है और यहाँ से कोई भी फॉन्ट स्टाइल दे दें। मैं जो है एज एग्जांपल ये वाला फॉन्ट स्टाइल जो है ये दे देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद गाइज आपने जो है इस नाम को जो है थोड़ा सा छोटा कर लेना है कुछ इस तरह से, और ये वाले हार्ट में जो है आपने इस तरह से एडजस्ट करना है, आपने जो है बिल्कुल सेंटर में जो है इस तरह से इसे रख देना है। ठीक है, उसके बाद आपने जो है ये नेम वाली लेयर को जो है यहाँ से अच्छे से पहले आप एडजस्ट कर लें, मैं कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने जो है इस लेयर को प्रोजेक्ट के एंड तक लेके जाने और यहाँ से सिंपली ओके कर देना है। ठीक है गाइज, अभी गाइज आपने क्या करना है, अगेन इसी नेम वाली लेयर पर क्लिक करना है और इसका एक डुप्लीकेट लेयर ले लेना है। तो सिंपली जो है थ्री डॉट्स पर क्लिक करें और यहाँ से डुप्लीकेट पर क्लिक करें तो इसकी एक डुप्लीकेट लेयर यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो अभी क्या करना है, आपने ये डुप्लीकेट लेयर को उठाकर और इस हार्ट के जो ऊपर है आपने ऊपर नहीं बिल्कुल जो है सेंटर में आपने इस तरह से रख देना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर किसी गर्लफ्रेंड का नाम वगैरह लिखना चाहें, यानी कि उसके नाम का फर्स्ट लेटर लिखना चाहें, तो सिंपली जो है यहाँ कीबोर्ड पर क्लिक करें। ठीक है, इसे एडिट करके यहाँ से इरेज कर दें और यहाँ पर कोई और नाम आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो एज एग्जाम्पल मैं ए लिख देता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। ठीक है गाइज, उसके बाद आपने क्या करना है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद गाइज अभी आपने स्टार्टिंग में आना है और यहाँ से आपने अगेन लेयर पर क्लिक करना है। अभी आपने जो है इन नेम को जो है कलर देना है। ठीक है, तो लेयर पर क्लिक करें, लेयर पर क्लिक करने के बाद मीडिया पर क्लिक करें। ठीक है,
और गाइज यहाँ से जो है आपने ये वाला वीडियो इफेक्ट जो है ये इंसर्ट करना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, इंसर्ट करने के बाद यहाँ से आपने इसे क्रॉप करना है। तो सिंपली जो है यहाँ से ऑप्शन में से नीचे है क्रॉपिंग में, ठीक है, क्रॉपिंग में आने के बाद आपने इसे यहाँ से इनेबल करना है और यहाँ से जो है इसे कुछ इस तरह से आपने क्रॉप कर लेना है, जितना कि आपका लेटर हो, जो कि आपने लेटर लिखा है, ठीक है, नाम का, उस तरह उतना ही आपने इसे क्रॉप करना है और ओके कर देना है। उसके बाद आपने इस लेयर को सिलेक्ट करना है, जो आपने वीडियो इफेक्ट वाली लेयर को जिसे आपने क्रॉप किया, ठीक है, और इस तरह से जो है आपने बिल्कुल नेम के लेटर के ऊपर जो है इसे एडजस्ट करना है कुछ इस तरह से। मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और यहाँ से इस तरह से आपने भी इसे एडजस्ट कर लेना है, बिल्कुल एस के ऊपर लिखना है, लेटर के ऊपर आपने जो है इसे यहाँ पर रख देना है। उसके बाद यहाँ से आप नीचे आ जाएं ब्लेंडिंग में। ब्लेंडिंग में आने के बाद गाइज यहाँ से आपने जो है मल्टीप्लाई पर क्लिक कर देना है, ठीक है, उसके बाद यहाँ से ओके कर दें, ठीक है गाइज। उसके बाद जो है आपने यहाँ से अगेन इसी इफेक्ट वाली लेयर को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपने इसका एक डुप्लीकेट लेयर ले लेना है, ठीक है, थ्री डॉट्स पर क्लिक करें और यहाँ से डुप्लीकेट लेयर पर क्लिक कर दें तो इसकी एक डुप्लीकेट लेयर जो है वो बन जाएगी, ठीक है। अभी आपने जो है इसको यहाँ पर खींच के इस लेटर के ऊपर जो है कुछ इस तरह से आपने इसे रख देना है, ठीक है, उसके बाद सिंपली यहाँ से ओके कर दें। तो गाइज हमारे जो नेम के लेटर थे उनको भी जो है कलर आ गया है। अभी आपने क्या करना है, आपने जो है लाइट सेट करनी है। सिंपली लेयर पर क्लिक करके ओवरले पर क्लिक करें, ठीक है गाइस। तो यहां से जो है आपने ये वाला ओवरले जो है डाउनलोड कर लेना है, स्पॉटलाइट्स, ठीक है। आपने कैसे डाउनलोड करना है, नीचे आपने आना है, यहां पर आपको गेट मोर का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक करना है और ये आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद गाइस आपने जो है यहां से स्पॉटलाइट्स पर क्लिक करके और ये वाला जो लाइट है आपने इसे क्लिक करना है तो ये वहां पर इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने यहां से ओके कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। ओके करने के बाद आपने क्या करना है, ये जैसे कि आप देख सकते हैं लाइट यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है। आपने यहाँ से इसे रोटेट कर लेना है कुछ इस तरह से और इस कॉर्नर में आपने इसे यहाँ पर सेट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसकी लेयर को जो है प्रोजेक्ट के एंड तक लेके जाना है और यहाँ से सिंपली जो है अभी आपने इसका एक डुप्लीकेट लेयर लेना है, ठीक है। तो सिंपली जो है अभी आपने यहाँ से थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है और डुप्लीकेट पर क्लिक कर देना है तो इस लाइट का जो है एक डुप्लीकेट लेयर वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी आपने डुप्लीकेट लेयर को यहाँ से लेके आना है, ठीक है, लेके आकर वो जो है इस कॉर्नर पर आपने इसे सेट करना है। पहले तो इसे इस तरह से रोटेट कर लें, ठीक है, और यहाँ पर जो है मैं अच्छे से कर लेता हूँ, यहाँ पर इस तरह से आपने यहाँ पर इसे रख देना है, ठीक है। उसके बाद ओके कर दें, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अभी आपने एक और स्पॉट्स लाइट जो है वो ऐड करनी है, जो कि बल्ब के बीच में, ठीक है। तो सिंपली जो है लेयर पर क्लिक करें और गाइज यहां से जो है ओवरले पर क्लिक करें और यहां से चले जाएं उसी इफेक्ट ओवरले में, यानी कि स्पोर्ट्स लाइट में, और ये वाली लाइट जो है आपने ऐड करनी है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने यहां से ओके कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये इस तरह से इंसर्ट हो जाएगी। अभी आपने क्या करना है, इसे यहाँ से रोटेट कर लेना है कुछ इस तरह से, ठीक है, और इसे आपने इस बल्ब के अंदर जो है एडजस्ट करना है। तो मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है गाइज। उसके बाद आपने जो है इसकी लेयर को प्रोजेक्ट के एंड तक लेके चले जाना है कुछ इस तरह से। उसके बाद गाइज यहाँ से आप ओके कर दें। ओके करने के बाद गाइज अभी आपने क्या करना है, अभी जो है आपने यहाँ पर एक और ओवरले को इंसर्ट करना है, ठीक है। सिंपली यहाँ से आपने लेयर पर क्लिक करना है और यहाँ से ओवरले पर क्लिक करना है। आपने जो है ये वाला ओवरले जो है डाउनलोड कर लेना है, स्नो ब्लोवर, ठीक है। आपने सेम मेथड से गेट मोर पर क्लिक करके और इसे भी डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने इस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद जो है ये थर्ड नंबर वाला जो है कम आउट, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है, ठीक है। ओके करने के बाद ये कुछ इस तरह से इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी आपने क्या करना है, आपने जो है इसे इस तरह से खींच के फुल स्क्रीन में इस तरह से आपने इसे लगा देना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसकी लेयर को भी प्रोजेक्ट के एंड तक लेके चले जाना है, ठीक है। उसके बाद सिंपली ओके कर दें। सो गाइज हमारा वीडियो जो है वो फुली बन चुका है। अब मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, ठीक है। सिंपली मैं प्ले के बटन पर क्लिक करता हूँ। सो गाइज जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं वीडियो जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त इफ़ेक्ट्स के साथ जो है बन चुका है, ठीक है। अगर आप यहां से कोई और सॉन्ग लगाना चाहें तो सिंपली यहां से ऑडियो पर क्लिक करके और अपनी गैलरी से कोई भी पसंद का सॉन्ग लगा सकते हैं। उसके बाद जो है आपने पहले तो इसका जो म्यूज़िक है वो म्यूट कर देना है, ठीक है, इस बैकग्राउंड का। उसके बाद आप कोई भी सॉन्ग लगा दें, ठीक है। सो गाइज उसके बाद जो है आपने यहाँ से शेयर के बटन पर क्लिक करके इसे एक्सपोर्ट कर लेना है अपनी गैलरी में, ठीक है। सो गाइज ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको
आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की एडिटिंग वीडियोज़ हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। सो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़।